नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वली। आज हम डिगलीपुर के भासाडी के एक एरिया में आए हैं जहां पर खुलेआम जो है मिट्टी की चोरी किया जा रहा था और यहां के गांव के लोग ने जो है उसे पकड़ा है। मैं बता दूं, ये जो है शाम को 6 बजे से स्टार्ट किया गया इनका कहना है। और मैं बता दूं कि ये इसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे एक मंदिर भी, और इवन जहाँ से मिट्टी काटा गया उसके ऊपर एक चर्च है। अगर इनका कहना है अगर ये मिट्टी काटा जाता है तो ये स्लाइडिंग बराबर हो सकता है। और इनका ये भी कहना है काफ़ी देर से यहाँ पर मेन रोड के बगल जो है मिट्टी काटा जा रहा था और खुलेआम उसे लेकर कहीं ये लोग डाल रहे थे। अब देख सकते हो, मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको, देखिए कितने मिट्टी जो है यहाँ से काटा गया। आप जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर मिट्टी काटने का परमिशन किसी को नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है अपने घर बनाने के लिए भी मिट्टी काटना चाह रहे हैं लेकिन उन लोगों को जो है परमिशन नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, इतना हिम्मत ऐसे उनको मिला है जो यहाँ पर खुलेआम मिट्टी काट रहे हैं वो भी रोड के बगल, क्या ये डिपार्टमेंट को पता नहीं था? ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पे गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, एवं हमारे जो गांव के प्रधान है वो भी हमारे साथ यहाँ पर है। हम उनसे जानते कब से मिट्टी यहाँ पर काटा जा रहा था। आपका नाम? क्लेमेंट मिंच। ये मिट्टी कब से काटा जा रहा था? आज शाम करीबन 6 बजे से। जी, आप लोग आके रोके फिर? नहीं, हमें खबर मिली जी, उसके बाद में हम आए। आप आके रोके फिर? गाड़ी कहाँ गया यहाँ का? गाड़ी इस जगह में खड़ी थी और हमने कहा कि गाड़ी के सामने ब्लॉक कर देने से गाड़ी तो कहीं नहीं जाएगी, तो यहाँ से बोला गया कि आप जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हम कौन बोला ऐसा? हाँ, इनका। अच्छा, मिट्टी कौन काटा आप लोगों को पता है? हाँ, कौन काटा? तिरुपति तंगा स्वामी, मतलब ये जो सामने घर है इन्हीं का काटा है। हम तो ये पहले कचरा फेंक दिया है नाला में तो पानी सारा हम लोग का घर तरफ जाता है, रात को भी पानी आने से चढ़ता घर उर में पानी घुसता, तो हम लोग आके पहले तिरुपति को बोला कि कचरा साफ कर दो, तो नहीं किया। फिर हम लोग कंप्लेंट दिया, पटवारी भी कुछ नहीं करता अभी तक। मैंने आप लोग कंप्लेंट करे, पटवारी भी नहीं ले रहे कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं लेता, कोई नाला ब्लॉक करके रखा है। फिर इस साल का बारिश में हम लोग क्या करेगा जी? अभी हम शाम को ये नाला में मिट्टी भरता बोल के हम आई, फिर हम ड्राइवर को बोली कि मिट्टी नाला में नहीं गिराएगा जी, नहीं तो हम लोग इसी के पास जाएगा उसके बाद ही नाला में मिट्टी गिराना बोला। तो ड्राइवर बोला कि नहीं, हम तो साइड में मिट्टी डालता है, आप जाके देखिए बोला। फिर हम बोला ये चीज़ हुआ, हम तो यही वही 6 बजे से पहले आई थी। 6 बजे से? हाँ, एक दो बार ले लिया था सब, उसका बाद आई। मतलब आप लोग जैसे रोके गाड़ी यहाँ से निकल के चला गया? नहीं, रुका था जी, अभी थोड़ा देर पहले तो गया। कैसे, आपके पास गाड़ी के नंबर भी है, दिखा सकते हैं हमें? मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं गाड़ी जो है यहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर जो अटैची चल रहा है, अटैची वहाँ पर ऊपर हम देख सकते हैं वहाँ पर खड़ी है, अंधेरा में दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ का ड्राइवर भी चला गया। लेकिन इन्होंने जो है उनका नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ले कर रखे हैं, G8499, आप देख सकते हो ये है गाड़ी का नंबर जो यहाँ से अभी फ़िलहाल चला गया है। और खुलेआम ये चीज़ यहाँ पे चल रहा था, और इनका ये भी कहना है कि हमने बहुत बार जो है पटवारी इनको जो प्रॉब्लम हो रहा था रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कंप्लेंट करे हैं लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया, और खुलेआम जैसा रोड के बगल ये चीज़ चल रहा है आप देख सकते हो। इससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट से जो प्रधान है उनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या चल रहा था यहाँ पे? मेरा नाम है सुजन कुमार दास, लक्ष्मीपुर का प्रधान है जी। मैं तो इसका पहले भी बारिश का टाइम में ये लोग क्या किया, नाली बंद कर दिया था ये साइड में जी। नाली बंद करने के बाद इधर का गांव वाला हमको बुलाया था, बुलाने के बाद हम जाके पटवारी को लेकर आया भी, दिखाया भी है जाड़ी जैसा पेड़, बड़ा बड़ा पेड़ है उसका अंदर में गिर नाली में गिरा, पानी बंद हो गया, पानी जाता नहीं, बगल घर है वो लोग का घर डूबता है, ये पटवारी को खुद दिखाया। फिर यहाँ जाके तहसीलदार को बोला, एसी को भी बोला, इसका तक अभी तक कुछ कार्रवाई हुआ नहीं। नेक्स्ट आज जो है ये लोग फ़ोन करता, घड़ी फ़ोन करता, मेरा बदन भी उतना ठीक नहीं है, फिर भी हम रात को आए हैं, क्या परिस्थिति है तो आके दिखता है, तो इधर जो मिट्टी काट के जो जगह में आपको नाली में जो पेड़ डाला था पहले वही नाली में आपको मिट्टी डालता है लोग। तो ये लोग जब हम आते आते इसका अंदर में गाड़ी चले गया, अभी अटैची तो इधर ही है ऑलरेडी, इधर एक चार्ज है, एक गणेश मंदिर है, चार्ज का बगल ही आपको एक हमारा जो मुर्दा खाड़ी है जी।
तो इतना माटी कटा वो स्लाइडिंग होगा, ये लोग जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है ऐसा परिस्थिति में। तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार ऑफिस से जो ये जो हमारा पंचायत का जो एक सीसी रोड है श्यामल मंडल का, उसका परमिट के लिए लिख के दिया है कंट्रेक्टर, आज तक उसको परमिट नहीं मिला। तो ये लोग कैसा इंक्रोच से लेके अपना इंक्रोच में डेवलपमेंट कर रहा है पता नहीं चलता हमको, क्या परिस्थिति हमारा। ये कहीं अगर छुपे छुपाई ये चीजें चलती तो भी हम सोच सकते थे एक सेकंड थॉट, लेकिन आप देख सकते हो मेन रोड के बगल ये चीज खुलेआम लोगों के सामने चल रहा है, किस हिम्मत से कर रहे होंगे ये? तो देखिए ये तो अभी राज तो अभी मनमर्जी चल रहा है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारा तहसीलदार ऑफिस का मनमर्जी, जब मनमर्जी चल रहा है, आरआई भी जैसा है, पटारी भी जैसा है, आपका सर्वेयर भी सेम, एक एक प्लॉट का आपको मालूम नहीं, चार बार डिमार्केशन किया वो लोग को कोई निशानी दिखा के जाता नहीं, ये इतना तक आपका खेती है करके या निशानी भी देता नहीं, ऐसा परिस्थिति हमारा डिगलीपुर का है। तो इसलिए हमारा जो ये रात को ऐसा मट्टी करता चुड़ी करके इसका ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए जी। हमारा जरूरत है, ये पब्लिक जो है कल एसी के पास जाएंगे, हमारा तो मीटिंग है कल नहीं जा सकता, इसलिए हम मीटिंग के बाद ही एसी सर इधर आएगा तो फिर हम भी आएगा। तो ये जो है अपना रात चलता है मनरज जी चोरी करके मट्टी काट रहे, रात को फ़ोन कर से पटोरी का पास फ़ोन नहीं जाता, जब इधर से पब्लिक आके ग्रैब करता फिर इधर से जब पटोरी को मैसेज करता फिर पटोरी बोलता गाड़ी लेके आ जाओ, लेकिन ये अच्छा है ये लोग को बोला था गाड़ी रुका दो जी। तो अभी इटाची तो है जी। आप इटाची का फोटो ले सकता, काटा जो है इसका नाम क्या है दुकानदार का, एस कंदा स्वामी, उसका बेटा का नाम त्रिपदी, त्रिपदी जो ये लोग को पहले भी बोला है सुना नहीं, ये लोग काट के अपना जो रोड का साइड में जो वो लोग को इंक्रोच है वो इंक्रोच को डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन हमारा यही बात है इसका इमीडिएटली एक्शन होना। तो आपको हम दिखाते हैं अभी जहां से मिट्टी काट कर मिट्टी को डंप किया जा रहा है, ये देखिए इस जगह पे मिट्टी को ला के डाला जा रहा था, और हमें जितना गांव वालों से पता चल रहा है कि ये जो जगह ये भी इंक्रोचमेंट जगह है, जहां से मिट्टी काटा जा रहा तो वो भी एक इंक्रोचमेंट जगह है, और ये रोड के साइड है जो इसको डेवलप करने के लिए ये लोग जो मिट्टी सरेआम देखिए सामने काटा जा रहा है, आप देख सकते हो इतना मिट्टी जो है काटा गया जिसके बाद गाँव के लोग आके यहाँ पर रोकते हैं उन्हें काटने से, क्योंकि जहाँ पर ये सवाल है मिट्टी जहाँ डाला जा रहा था वहाँ पर भी कई सारे लोग रहते हैं पीछे, जिनका कहना था कि हमारा नाला जो है बंद हो रहा है जिस वजह से उनका घर भी डूब रहा है, और जहाँ से मिट्टी काटा जा रहा था वहाँ भी मैंने कहा कि वहाँ भी जाने आने में स्लाइडिंग होने में भी बहुत सारा दिक्कत जो है वहाँ पर हो रहा है, तो इस पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। और आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा, सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।